श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय सायराम। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक लेके हम आए हैं वो है मास्टरिंग के ऊपर एक टॉपिक जो है डायनेमिक ईक्यू। आप लोग जानते होंगे कि मास्टरिंग का जो मॉड्यूल है ये इज ओजन 9 सूट जो है, इसके अंदर बहुत सारे मतलब बहुत तरह की प्लगइन्स लागू होते हैं। बहुत दिन से आप लोग देख रहे हैं कि मास्टरिंग प्लगइन्स के ऊपर हम लोग क्लास कर रहे हैं, तो चलिए आज हम देखते हैं डायनेमिक ईक्यू लेके। तो डायनेमिक ईक्यू जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे है डायनेमिक ईक्यू, ये कैसे आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लगइन्स नहीं है, आप गाना को इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा और सबसे पहले डायनेमिक ईक्यू आप यहाँ पे लागू कर दीजिए। जैसे आप डायनेमिक ईक्यू यहाँ पे लागू कर देंगे तो आपको ये वाला जो विंडो आपको दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद आपको एक चीज करना है कि जब हम मिक्सिंग करेंगे तो उस टाइम एक तरह का ईक्यू हम लोग लागू करते हैं, लेकिन जब मास्टरिंग करेंगे उस टाइम लेकिन हम लोग यहाँ पे एनालॉग का डिजिटल फॉर्मेट में लगाएंगे। बाय डिफॉल्ट एनालॉग में रहता है। तो देखिए अभी यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है, ये 1, 3, 4 एंड 6 मतलब ये 4 बैंड मिल रहा है, लेकिन इसमें आप और भी बहुत सारे बैंड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए पहला नंबर 1 एक बैंड है, उसके बाद 2 नंबर बैंड आप लगा दिया, इसके बाद 5 नंबर बैंड, तो यहाँ पे आपको टोटल 6 बैंड्स मिलेंगे। ठीक है, 6 बैंड, तो एक के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 कहाँ पे आएगा, इससे यहाँ पे आएगा 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो इसको ये जो बैंड है इस बैंड को हम कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे 4 नंबर जो बैंड है इसको हम खींच के इधर भी ले जा सकते हैं, खींच के इधर भी ले सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये जो 4 नंबर बैंड जो है ये आप अगर मिड फ्रिक्वेंसी के हिसाब से अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कर सकते हैं। और बायस लाइट में जो है, बायस लाइट में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं बिल्कुल 0 पोजीशन में खड़े हैं। देखिए तो इसमें क्या होगा, ये जो यहाँ पे 6 बैंड्स जो है इस बैंड को लेके हम पर्टिकुलर कोई भी फ्रिक्वेंसी को हम लोग डायनेमिक ईक्यू दे सकते हैं, मतलब डायनेमिकली हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो पहले ये गाना का जो हिस्सा है यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ तक हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग डायनेमिक ईक्यू जो है इसको हम इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे, चलिए। ओ मानी तो आंखों से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको। यहाँ पे जो हिस्टोग्राम आ रहा था ये आप देख पा रहे, ये गाने का जो फ्रीक्वेंसी जो रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हैं यहाँ पे, और उसी हिसाब से हमको कुछ करना है। यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हम जाएंगे स्टूडियो फील्ड में, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको 3 फील्ड मिलेगा, एक तो स्टूडियो फील्ड, एक है मिड साइड फील्ड और तीसरा है लेफ्ट एंड राइट फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्टूडियो फील्ड में। स्टूडियो फील्ड में हमको जो चाहिए वो क्या है, ये है लो एंड। लो एंड को हम एक बार चेक कर लेते हैं और सुनिए। इसका जो फ्रीक्वेंसी है 61 हर्ट्ज में रखा हूँ मैंने, और इसका गेन अगर हम थोड़ा सा बूस्ट कर देंगे तो ऐसा ही कुछ बूस्ट होगा। लेकिन देखिए देखिए अब शेल्बिंग मोड में जा रहा है ना, इसका जो शेल्बिंग मोड है ये मोड आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, ये आप बेल के हिसाब से यूज कर सकते हैं, जैसे कि बैक सेंडल वास इसके हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या जाएंगे प्रोपोर्शनल क्यू। तो इसमें क्या होगा देखिए, इसका अगर क्यू रेंज जैसे कि है, क्यू रेंज हम बढ़ाएंगे तो ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। अभी सबसे मजे की बात है, ये जो लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको रेस्पॉन्स कर रहे ईक्यू, उसमें जो लो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देख रहे हैं, इसको आप अगर चाहे इसको आप डायनेमिक लेवल भी दे सकते हैं। कैसे, इसका जो थ्रेशोल्ड लेवल है थोड़ा सा कम करके देखिए, आप अगर इजीली समझ सकें, इसलिए मैं इजीली आपको दिखा रहा हूँ, इसको आप थोड़ा सा थ्रेशोल्ड कम कर दीजिए। देखिए यहाँ तक आ रहा है, सपनों में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको, मैं बोला है। आप देख पा रहे हैं नीचे का जो ये जो आपका जो व्हाइट लाइन, आप किसी ग्राफ्स को मत देखिए, ये जो व्हाइट लाइन जा रहा है ये व्हाइट लाइन को आप देखते रहिएगा जब गाना प्ले कर रहा हूँ। देखिए आंखों से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं, इसको मैंने गेन क्या दे रखा है 3.9 dB। इसका गेन को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे,
इसको अगर हम बूस्ट करेंगे तो ऐसे हम गेम को बढ़ा सकते हैं। आप देखिए, ओ मानी तो आंखों से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह। इसके बाद इसका पर्टिकुलर बैंड आपने सही लिया क्या नहीं लिया इसको चेक करने के लिए आप सोलो को दबा दीजिए। तो ये सोलो एरिया जो गाना आपका चल रहा है, ये सोलो एरिया आपको दिखाएगा कैसे। आपको सुनाई दे रहा है एक किक का साउंड और लो का साउंड। तो ऐसा कुछ लेवल हमने यहां पे रखा है, ठीक है, जिसका क्यू पॉइंट है अभी 0.8। इसको क्यू को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, 0.7 किया। और ये देखिए यहाँ पे ये पंप अप हो रहा है, बराबर। अभी मैं सोलो को उठा देता हूँ। सपनों में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको, ये वाला ठीक ठाक लगता है एक यूज में। तो इसको आप फिलहाल मतलब स्विच अप करके रखिए। आ जाइए दो नंबर बैंड पे। चलिए दो नंबर बैंड देखते हैं। सेम पॉलिसी, सेम जो आपका सिस्टम उसको चलाते हुए आप बस चेक कीजिए सोलो करके। यहाँ पे देखिए, जब मैं इसको सोलो करके सुन रहा हूँ तो एक मूविंग साउंड आ रहा है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इसको बूस्ट करें, इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ क्यू, इसका क्यू पॉइंट वन दे दिया और इसका फ्रीक्वेंसी 187 हर्ट्ज पे रखा है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। ऐसा फ्रीक्वेंसी में रखे हैं हम, और इसका जो थ्रेशोल्ड लेवल जो है थोड़ा सा कम करके देखेंगे हम कितना लेवल देता है वो। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट ये जीरो में है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट मैंने इसको क्या किया, जीरो में रखा है, इसका जीरो में रखा है बाय डिफॉल्ट। और इसको, इसका जो आउटपुट है इसको मैंने जीरो में रखा है। तो थोड़ा सा एक बार इसको बढ़ा के सुनिए आप, पहले थोड़ा सा बढ़ा के सुनते रहिए। ऐसा कुछ लग रहा है, फिर से आप आउटपुट गेन जो है इसको नॉर्मल कर दीजिएगा, ठीक है, जीरो में रहेंगे। और अभी मैं इसका जो साउंड है वो मैं साउंड सुनूंगा। इसका थ्रेशोल्ड लेवल कितना रखा है, -87 ऐसा कुछ है। तो -87 डीबी जब रख रहा हूँ तो ये उतना ही फ्रीक्वेंसी को, जैसे कि 181 हर्ट्ज को -2.6 डीबी गेन सप्रेस कर रहा है। तो जब हम इसको दोनों को मिला के सुनेंगे, मतलब इसको और इसको मिला के सुनेंगे, तो हमको ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा। देखिए, ओ मानी तो आंखों से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको। ब्रदर इसको मैंने बाईपास कर दिया, तू आए तो अभी बाईपास करके सुना रहा हूं मैं आपको। तो साउंड ऐसा कुछ था, ओ मानी तो आंखों से लोरी वो सुना दे तो सपनों। फिर इसको ऑन कर रहा हूं, देखिए, ओ मानी तो आंखों से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा। तो इसको ऑन तो आपने किया है, साउंड का जो फर्क है वो भी आप सुन रहे हो। तो क्यों ना हम अभी ये जो थर्ड बैंड है इसको भी हम चेक कर लेंगे, थर्ड बैंड को देखते हैं इसको सोलो करके। इसका जो क्यू पॉइंट है थोड़ा सा हम पंप अप करेंगे। मैं बोला है तू आए तो दो पल साथ बिताए तो दिल के राज सुनाऊंगा मुझको रोको। आप देख पा रहे हैं मिड जो फ्रीक्वेंसी है, लो मिड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, लो मिड फ्रीक्वेंसी 573 हर्ट्ज। मैं इसको थोड़ा सा और भी थोड़ा सा लेफ्ट साइड में घिसट कर गया हूं, तो इसका साउंड कुछ इस तरह से आ रहा है। और इसको थ्रेशोल्ड लेवल सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा ऐसा कुछ किया। अब ये तीनों बैंड काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल इक्यू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल इक्यू दिया है, और नंबर वन बैंड पे तो प्रोपोर्शनल इक्यू है ही। मैं अभी इसको बाईपास करता हूँ, सुन के देखिए। ओ मानी तो आंखों से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह। फिर से मैं ऑन कर रहा हूँ मुझको रोको, मैं
बोला है तू आए बराबर। ऐसे आपको बैंड सिलेक्ट करना है, कौन सा बैंड आपको कौन सा एरिया में आपको रखना चाहिए। ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए एक नंबर जो बैंड है वो कौन सा फ्रीक्वेंसीज के लिए है, नंबर दो जो है ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि मैंने इक्यू सेक्शन में आपको पहले भी दिखाया था। लेकिन ये जो डायनेमिक इक्यू है ये एक्चुअली आपको डायनेमिक्स एक पर्टिकुलर बैंड पे आप डायनेमिक्स दे सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, लेकिन जो नॉर्मल इक्यू है उसमें आप डायनेमिक्स दे नहीं सकते, उसमें आप फ्रीक्वेंसीज को आप बूस्ट कर सकते हैं रिड्यूस कर सकते हैं। कोई भी एक पर्टिकुलर बैंड जो है उसको आप बूस्ट कर सकते हो डायनेमिक्स के साथ। तो अभी तीन नंबर बैंड हो गया, चार नंबर चलते हैं। चलिए चार नंबर को सोलो कर दिया। चार नंबर जो बैंड है मिड फ्रीक्वेंसी बैंड है, ये आपको पता है क्योंकि ये 1000.3 1000.3 में मतलब 1003 में खड़ा हुआ है। इसको अगर बिल्कुल हजार में रखेंगे तो ये मिड फ्रीक्वेंसी का फ्रीक्वेंसी आपको दे रहे। तो आपको अगर चाहिए थोड़ा सा मिड फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बढ़ा कर रखेंगे आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन आपको साउंड को सुनना है और नीचे वाला जो फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पे दिखा रहा है वो भी आपको देखना है। इसका थ्रेशोल्ड लेवल जो है इसका गेन कितना रखा 1.4 मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी बैंड को चेंज कर रहा हूं मैं और इसका जो क्यू है क्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया। सोलो उठा लिया मैंने, सुनिए इसमें क्या है। थोड़ा सा जो स्नेयर का जो फ्रीक्वेंसी है स्नेयर का ब्राइटनेस आपके सामने और क्रिस्टल क्लियर आ गया है, साथ साथ वोकल का भी। इसको बाईपास करते हुए आप सुनिए। अभी मैं बाईपास को उठा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे करते हुए अगर ये आपको ठीक ठाक लगे आपका गाने के हिसाब से अगर ठीक ठाक लगे उसके बाद जो पांच नंबर जो बैंड है वहाँ पे चले जाइए। आप पांच नंबर बैंड का सेम पॉलिसी, पहले उसके सोलो कीजिए और सुनिए इसका। लेकिन गेन आपको थोड़ा सा बढ़ाना ही पड़ेगा। और इसका क्यू तीन में रखा है हमने, ठीक है इसको पांच कर दीजिए। थ्रेशोल्ड लेवल थोड़ा सा ऐसा कुछ रखिए 106। तो इसमें क्या है क्या हो रहा है एक्चुअली, इसमें देखिए ये जो पर्टिकुलर बैंड में जब भी ये थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पहुंच जा रहा है तो इसी पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी है पांच नंबर बैंड में जो फ्रीक्वेंसी है जो काम कर रहा है 3757 हर्ट्ज पे उसको थोड़ा सा बूस्ट दे रहा है और कुछ नहीं। लेकिन कितना बूस्ट दे रहा है, ये दे रहा है आपको 2 dB गेन दे रहा है, वो 2 dB गेन दे रहा है और थ्रेशोल्ड लेवल रखा है माइनस ऑन 106.6 dB। तो इसमें क्या होगा, सोलो को उठा लीजिए, सबको एक बार सुनिए। चलिए से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको मैं बोला है तू आए। आपको अगर लगता है कि ये ज्यादा रिस्पांस कर रहा है शार्ट में ज्यादा दे रहा है हर्ष साउंड ज्यादा दे रहा है तो आप उसको डाउन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डाउन करके देखिए एक बार साउंड कैसा लगता है, देखिए एक बार। ओ मानी तो आंखों से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको। ये सब तो हो गया, आप पहले इसका जो सफेद कलर का जो रेखा यहाँ पे चल रहा है इसको आप पहले देखिए, रिस्पॉन्स देखिए इसका। आंखों से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको मैं बोला है तू आए। बाईपास कर दिया, दो पल साथ बिताए, क्वालिटी सुनिए फर्क है। दिल के राज सुनाऊंगा, फिर से मैं वापस उठा रहा हूँ। इसके बाद छह नंबर बैंड, ये छह नंबर वाला जो बैंड है ये 10,000 हर्ट्ज में काम कर रहा है, मतलब 10 किलोहर्ट्ज में काम कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और सोलो करता हूँ करने के बाद
इसका साउंड सुनूंगा, मेरे को ऐसा लगता है कि इसका थोड़ा सा एरिया बढ़ाना चाहिए। चलिए इसके, लेकिन जो रैक्सेंडल ट्रिबल जो है यही मैंने रखा यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 3 dB बूस्ट किया, और वो भी हम चेक करेंगे कि इसका इफेक्ट कैसा आता है। इसका गेन 3 dB है, और ये आपको यहां से लेके यहां तक जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को रेस्पॉन्स दे रहा है, मतलब इस फ्रीक्वेंसी को एनहेंस कर रहा है। सोलो उठा दीजिए। ठीक है, बाईपास कर रहा हूं मैं, सपनों में मैं बह जाऊंगा, थोड़ा सा चेंज तो आपको लगेगा ही। आ रहा है, मैं बोला है ये क्या, तू आए तो बाईपास मैं उठा दिया, पल साथ बिताए, चल रहा है सब कुछ, दिल के राज सुनाऊंगा मुझको। तो ये जो हमने सुन रहे हैं ना, ये सुन रहे हैं हम क्या, सिर्फ स्टूडियो फील्ड में जो एक उस हमें डायनामिक लगा है। इसके बाद हम आ जाएंगे मिड साइड में। जैसे मिड साइड में मैंने पहले भी आपको बताया था कि मिड फ्रीक्वेंसी आप सुने तो उसमें जो स्टीरियो इफेक्ट जो आप सुनते हो, जिस टाइम आप स्टीरियो इफेक्ट जो सुनते हो, वही सेम सेटिंग्स मिड साइड में लागू होता है। मिड साइड में सेम सेटिंग्स लागू हो जाता है, लेकिन साइड में अगर जब जाओगे तो साइड में कुछ अलग सिग्नल आपको सुनाई देंगे। तो इसके लिए आपको साइड का भी इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको पहले सोलो कर लीजिए, सुनिए साइड क्या बोल रहा है। तो ऐसा एक साइड साउंड आपको सुनाई देगा। उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक बैंड हम लगाएंगे, 2 नंबर बैंड, और यहाँ पे 5 नंबर बैंड का जरूरी है ही नहीं, क्योंकि हम 6 नंबर जो बैंड है इसको हम पहले से ही थोड़ा सा बैंड चेंज करके 4K के आसपास, जैसे कि यहाँ पे देखिए 4K 4000 Hz इसके आसपास लेकर रखे हैं, और उसको सोलो करते हुए हम सुनेंगे। इसका थ्रेशोल्ड लेवल थोड़ा सा देखते हैं, क्यू 2 पॉइंट में रखा है, फ्रीक्वेंसी 4000, फ्रीक्वेंसी 4000 हर्ट्ज में रखे, और गेन को 4.1। ठीक है, ये गया आपका एक्सट्रीम जो 6 नंबर बैंड था, 6 नंबर बैंड का सिग्नल, जो 6 नंबर बैंड जो था, 6 नंबर बैंड का, ये 6 नंबर बैंड का टोन आप सुन रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 नंबर बैंड पे आएंगे, 4 नंबर कुछ करेंगे नहीं फिलहाल, अभी तक देखते हैं मिड फ्रीक्वेंसी क्या बोल रहा है। मिड फ्रीक्वेंसी बोले तो 1000 Hz मिड फ्रीक्वेंसी, चलिए देखते हैं। इसका जो प्रोपोर्शनल है बेल सिस्टम में हम आएंगे, चेक करते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ जो मिड फ्रीक्वेंसी है वही यहाँ पे काम कर रहा है, और आप जो सुन रहे हैं वो मिड फ्रीक्वेंसी सुन रहे हैं, और इसका थ्रेशोल्ड हम थोड़ा सा कम कर देंगे, ऐसा कुछ 83 माइनस 83.5। तो इस हिसाब से ये काम करेगा। अभी मिड फ्रीक्वेंसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी दो काम कर रहे हैं। 1 नंबर बैंड जो है इसको हम क्या करेंगे, ये है रैक्सेंडल बास में, इसको थोड़ा सा हम बूस्ट करेंगे, जबकि ये उतना कुछ काम का नहीं है क्योंकि साइड भी आपको लोज उतना सपोर्ट नहीं देता, फिर भी हम इसको गेन 2 dB तक रखे हैं, और फ्रीक्वेंसी लगभग हम लोग रखेंगे 100 Hz के आसपास। ठीक है, सोलो करके सुनते हैं, देखिए, और इसका जो थ्रेशोल्ड लेवल थोड़ा सा हम 100 माइनस 110.9 कर दिया। तो कुल मिला के अभी यहाँ पे कौन सा बैंड काम कर रहा है, 1 नंबर बैंड काम कर रहा है, 1 नंबर बैंड काम कर रहा है, 3 नंबर बैंड काम कर रहा है, और 6 नंबर बैंड काम कर रहा है, जिसका ग्राफ्स ऐसा कुछ क्या है। अब इसको साइड में हम सोलो करके सुन रहे हैं, इसको अगर हम खोल देंगे तो साउंड कैसा आएगा,
सुनिए एक बार। वो मान तो आंखों से लोरी वो सुना दे, जो बिट का साउंड ऐसा कुछ है, उसका सेटिंग भी ऐसा कुछ है, और स्टूडियो फील्ड में जाएंगे सेम सेटिंग्स आपको मिल जाएगा। लेकिन सुनते हैं, यह है स्टूडियो फील्ड। स्टूडियो फील्ड के बाद मिड साइड, देखिए मिड साइड, मिड वाला और यह है साइड वाला। ठीक है, इसके बाद चेक कर लीजिएगा आपको लेफ्ट एंड राइट स्पीकर क्या क्या बोल रहा है। तो लेफ्ट स्पीकर में पहले चेक कीजिए और उसको सोलो कीजिए। सुनिए लेफ्ट साइड में, सेम सेटिंग्स अगर ठीक ठाक लगे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद राइट सुनिए, एक चीज गौर कर रहे हैं आप, राइट में जो आपको मैंने सेटिंग दिखा रहा हूँ और लेफ्ट में जो सेटिंग दिखा रहा हूँ, दोनों में लेकिन फर्क है। लेफ्ट के साथ ये जो मिड फ्रिक्वेंसी या स्टूडियो का फील का बिल्कुल मतलब सिमिलरिटी है, लेकिन हमेशा जो राइट सिग्नल जो है इसके साथ लेकिन सिमिलरिटी नहीं है। तो राइट साइड किसके साथ सिमिलरिटी है, ये जो आप मिड साइड में जो साइड वाला जो प्रोग्राम देख रहे थे, सेम साइड वाला जो पैरामीटर्स यहाँ पे जो दिखाया आपको, सेम चीज आपको दिखेगा साइड सेक्शन में। मतलब जब अभी आप लेफ्ट एंड राइट साइड चेक करेंगे तो राइट साइड के लिए ये वाला सेटिंग दिखाएगा, लेफ्ट चैनल के लिए ये वाला साइड दिखाएगा। अब दोनों को एक साथ सुनते हुए देखिए, देखिए ये है लेफ्ट वाला और यह है राइट वाला। ठीक है, वापस हम चले आते हैं कहाँ पे, स्टूडियो पे चले आए। अभी जो ओवरऑल जो आपने बैलेंस किया है, इसको बैलेंस करने के बाद, टोन को कंप्लीट करने के बाद, मतलब टोन को बनाने के बाद आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे 2 dB बढ़ाया या 6 dB बढ़ाया या 3 dB बढ़ाया या 714 हर्ट्ज में हम लोग काम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका गाने के भी सेम फ्रिक्वेंसी में वो चीज़ काम करेगा, लेकिन आपको सुन के उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं सिर्फ वे दिखाता हूँ, अप्लाई करना लेकिन आपका काम है, और कैसे अप्लाई करेंगे वो तो आपको दिखाई दिया मैंने, तो आप क्या करेंगे इसको पहले बाईपास कीजिए और सुन के देखिए एक बार। ओ मानी तो आँखों से लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको। इसके बाद बाईपास उठा रहा हूँ, तू आए तो दो पल साथ बिताए, थोड़ा सा लाउड भी करूंगा, देखिए आज सुनाऊंगा मुझको रोको, हाँ तुम रोको सुना। वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है, बात ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए क्वालिटी का जो फ्रीक्वेंसी जो अपने बैंडविड्थ लगा है फ्रीक्वेंसी में और जो डायनेमिक्स दिया है उसका कुछ हेरफेर हो रहा है कि नहीं, तो वही चीज आपको लेकिन चेक करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको इसको सेटिंग करना पड़ेगा। सेटिंग करते वक्त आपको चेक करना है कि गाने का जो इंस्ट्रूमेंट्स है या वोकल जो है उसका टोन निखर आया कि नहीं आया। तो चलिए सुनते हैं। लोरी वो सुना दे तो सपनों में मैं बह जाऊंगा मुझको रोको, मैं बोला है तू आए तो दो पल साथ बिताए तो दिल के राज सुनाऊंगा मुझको रोको, हाँ तुम रोको पर हमको तुम रोको। तो जब भी आप ऐसे डायनामिक इक्विप को लागू करेंगे आपको लेकिन इतना सारा चीज को चेक करना पड़ेगा। चेक करने के बाद आपको ये जो इनपुट सेक्शन है इसको भी बाय डिफॉल्ट लाइए, इसको भी बाय डिफॉल्ट लाइए ताकि दोनों का आउटपुट जीरो में रहे। इसके बाद आप दूसरा जो प्लगइन्स है इसको आप लागू कर सकते हैं, लेकिन दूसरा प्लगइन्स हम लोग लगाएंगे यहाँ पे और उसका भी हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे और ये देखेंगे हमारा नेक्स्ट वीक का जो एपिसोड आ रहा है उसमें। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। नमस्ते जी।